हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ लेडीज सॉक्स जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने दो कलर की बूल ली है और टेन नंबर सिलाई ली हुई है और यहाँ पे देखिए अस्सी फंदे डाले हैं मैंने और फर्स्ट रो को हम इसको उल्टा बुनेंगे ऐसे ये देखिए ऐसे ही इधर से ऐसे ही उधर से दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा बुनते हुए यहाँ पे देखिए हम इस तरह की गांठ स्टिच चार रो डालेंगे चार रो डालने के बाद हम आपको दिखाते हैं ये देखिए मैंने यहाँ पे चार रो बना के कंप्लीट कर ली है एक दो तीन चार और चार इधर से एक दो तीन चार अब देखिए यहाँ पे मैं डिजाइन डालूंगी इसमें तो देखिए ये देखिए एक फंदा उतार लिया बुल को अपने तरफ यहाँ पे देखिए ये तीन फंदे उल्टे बुने एक उतारा तीन उल्टे बुने बुल को पीछे एक सीधा ऐसे बुल को अपने तरफ आप देखिए यहाँ से हम सात फंदे उल्टे बुनेंगे दो तीन चार पाँच छ सात और एक सीधा ये देखिए ऐसे बुल को अपने तरफ ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदे उल्टे बुल को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुल को अपने तरफ फिर से सात फंदे उल्टे इस तरीके से इस रो को मैं कंप्लीट करूंगी यहाँ पे देखिए मैंने चार फंदे उल्टे एक उतारा तीन उल्टे फिर एक सीधा फिर सात उल्टे फिर एक सीधा इस तरह से ये रो कंप्लीट करनी ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और देखिए इस तरीके से लास्ट में हमारे पास तीन फंदे उल्टे बचे एक सीधे के बाद अब यहाँ से हम इस फंदे को उतार लेंगे बुल को अपने तरफ करेंगे और पूरी रो उल्टी बुनते हुए लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे ऐसे यहाँ पे मैंने उल्टी रो कंप्लीट कर ली है अब देखिए यहाँ से एक फंदा उतारूंगी बुल को अपने तरफ करूंगी और यहाँ पे तीन फंदे उल्टे ये देखिए इस तरीके से आप देखिए जो सीधा फंदा है उसको हम इस तरीके से नहीं बुनेंगे एक रो नीचे से बुनेंगे अब हम यहाँ पे ये डिजाइन डालेंगे तो एक रो नीचे से ऐसे ये देखिए ऐसे ये बुन लिया उसके बाद बुल को अपने तरफ किया एक दो तीन चार पांच छ सात ये सात फंदे उल्टे फिर से बुल को पीछे करेंगे आप देखिए यहाँ पे ये एक रो नीचे से बनाएंगे इसको ऐसे इसको छोड़ देंगे बुन को अपने तरफ और ये फंदे साथ उल्टे बुल को पीछे और देखे इस तरह से एक रो नीचे से इसको बना बना के लाएंगे और उसके बाद ये फंदे उल्टे इस रो को लास्ट तक ऐसे ही बना लेंगे ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया ये देखिए आप देखिए ऐसे पलट लेंगे और उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी एक फंदा उतारने के बाद ये देखिए ऐसे पूरी रो ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से सीधे रो पे आ गई हूँ तो यहाँ से देखिए एक फंदा मैंने ऐसे तीन फंदे यहाँ पे उल्टे बोल लिए एक उतार लिया भूल को पीछे करेंगे इस सीधे वाले फंदे को एक रो नीचे से ऐसे इस तरीके से भूल को अपने तरफ यहां पे सात फंदे उल्टे और उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी जाएगी ये देखिए आप देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये देखिए तीन रो ये हो गई है और पांच और बनाऊंगी टोटल यहाँ पे आठ रो हो जाएंगे और चार रो हमारे पहले से हैं तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूं ये देखिए मैंने यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ रो बना ली हैं चार हमारे पास पहले से थी तो यहाँ पे टोटल बारह रो हो गई अब देखिए ये जो आठवीं रो है मैंने यहीं तक बनाई है क्योंकि उल्टे तरफ से मुझे कलर चेंज करना है तो देखिए यहां से मैं पिंक कलर लगा रही हूं तो ऐसे ये देखिए इस धागे को इसी में करके ले जाऊंगी मैं ऐसे दबाते हुए तो ये भी खुलेगा नहीं आप चाहें तो यहां पे नॉट भी लगा सकते हैं इस धागे से ये देखिए ऐसे तो यहां से मैं पूरी रो ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ ये देखिए उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली अब देखिए इसको मैं एक फंदा उतारूंगी और यहाँ पे एक दो ये तीन फंदे उल्टे धागा को पीछे करूंगी और इस डिज़ाइन को जैसे मैं डाल रही हूँ एक रो नीचे से वैसे ही बनाऊंगी ये देखिए उसके बाद सात फंदे उल्टे ये देखिए धागा को पीछे करेंगे और इसको एक रो नीचे से बनाएंगे ऐसे आप देखिए इस तरह की चार रो यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक गई ये तीन और बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए यहाँ पे मैंने चार रो पिंक की बना ली है एक दो तीन चार अब देखिये यहाँ से हम फिर से कलर चेंज करेंगे ये वाला कलर फिर से वापस लगा लेंगे और उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी, उल्टी इधर से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और देखिए यहां से पूरी जैसे बना रही हूँ वैसे बनाऊंगी फिर से एक उल्टी रो बनाऊंगी तो यहाँ पे मैं तीन रो बनाऊंगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये यह देखिए यहाँ पे मैंने तीन रो बना ली है अब देखिए इस रो में मैं फंदे घटाऊंगी तो यहाँ पे मैंने तेज फंदे इधर लिए हैं ट्वेंटी थ्री फंदे और ट्वेंटी थ्री फंदे इधर रखे हैं और सेंटर में जो फंदे हैं उनको हम दो का एक दो का एक करते जाएंगे तो देखिए यहाँ से एक फंदा उतारूंगी बूल अपने तरफ ये देखिए दो तीन चार पाँच आप देखिए फली वाले फंदे भी उल्टे बना लेंगे छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और देखिए ये तेईस ट्वेंटी थ्री फंदे मैंने ले लिए अब मैं पिन को इस तरफ डाल लूंगी ऐसे और यहां पे देखिए ऐसे दो का एक अब मैं यहां पे फंदे घटाऊंगी ये देखिए दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक देखिए यह यहाँ पे पंद्रह पंद्रह सोलह सत्रह ये देखिए सत्रह बार मैंने दो का एक यहाँ पे किया है ये देखिए इस तरह से आप देखिए इस पिन को मैं इधर करूंगी और यहां पे ऐसे ही बनाऊंगी ये फंदे ट्वेंटी थ्री फंदे ऐसे उल्टे बुनते हुए लास्ट तक इसको कंप्लीट करना है ये देखिए उल्टे तरफ से एक फंदा उतार लूंगी बुल को अपने तरफ और यहां से सभी फंदे उल्टे बुनते हुए लास्ट तक कंप्लीट करूंगी मैं ये देखिए अब मैं फिर से सीधे साइड आ गई हूँ तो यहाँ से एक फंदा उतारूँगी बुल को अपने तरफ और यहाँ पे ये तेज़ फंदे ऐसे ही बुन लूँगी ट्वेंटी थ्री उल्टे ये देखिए ये देखिए यहां तक सेफ्टी पिन तक मैंने बना लिए अब देखिए इसको इधर कर लिया और यहां से ये देखिए फिर से इस सेफ्टी पिन तक दो, दो का एक करते हुए जाऊंगी ये देखिए ऐसे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ये देखिए आठ बार मैंने दो का एक किया एक फंदा ऐसे ही बचा है तो एक को हम ऐसे ही बुन लेंगे और सेफ्टी पिन इधर करेंगे और यहां से पूरी रो उल्टा बुनते हुए लास्ट तक ये तेज फंदे ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर दें आप देखिए उल्टे तरफ से एक फंदा उतार के और बुल अपने तरफ करके सभी फंदे ऐसे ही उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और ये मार्क को भी निकाल देंगे इस रो में लास्ट तक मैं बना लेती हूँ ये देखिए उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली है और उल्टी रो को आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बुनना है मीडियम में ही बुनना है और देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बन के कम्प्लीट हो गई है यहाँ पे आप देखिए इन फंदों को मैं क्लोज करूंगी तो देखिए इस तरीके से दो का एक करते हुए ऐसे वापस इस फंदे को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से का एक करेंगे और देखिए इसको भी आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं उतारना है नहीं तो ये खिंची खिंची हो जाएगी ये देखिए इस तरह से करते हुए जाना है और पूरी रो लास्ट तक हम इसको ऐसे ही क्लोज करते जाएंगे ये देखिए का एक करेंगे वापस देखिए उस फंदे को लेके दूसरे फंदे के साथ ऐसे तो देखिए मैं सब ये वाले फंदे बंद करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सभी फंदे मैंने यहां से क्लोज कर लिए हैं आप देखिए इस फंदे में से मैं ऐसे सुई निकाल दूंगी ताकि ये खुले नहीं यहाँ से अब देखिए मैं इसको सिलूंगी तो देखिए सीधा साइड में ऐसे अंदर फोल्ड करूंगी और देखिए यहां से लेके ऐसे एड़ी तक एड़ी से लेके यहाँ तक पंजे तक मैं इसको सिल के कंप्लीट करूंगी ये देखिए इसको आपको मिला के ही सिलना है ये रो जैसी है वैसे ही मिलानी है ये देखिए ऐसे ये पिंक कलर को ऐसे पकड़ लेना है मिलाते हुए तो यहां से देखिए रो देख लीजिए उल्टे तरफ से इसको ऐसे मिलाते हुए सिलना है ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए यहां तक इसको मैंने सिल दिया आप देखिए यहां से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे पकड़ लेंगे मिलाते हुए और इसको यहां से देखिए इस तरीके से लास्ट तक इसको सिलते जाएंगे तो मैं सिल लेती हूँ ये देखिए इस तरह से ये बन के हो गई है और देखिए छः और सात नंबर दोनों को आ जाएगी देखिए इसकी फिटिंग भी बहुत ही प्यारी बन के कम्प्लीट हुई है काफी क्यूट लग रही है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू